टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। हाथरस की गुड़िया को इंसाफ दिलाने को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। विपक्षी पार्टियां इस मामले को लेकर केंद्र और यूपी शासित बीजेपी सरकार को घेरने में जुटी हैं। लेकिन इस राजनीति में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसमें कथित रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं किया जा सकता। लेकिन हाथरस की गुड़िया को इंसाफ दिलाने की मांग करने वाले प्रदर्शन में गुड़िया की फोटो का इस्तेमाल कर उसकी पहचान को उजागर कर रहे हैं। इन सब के बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर, जाफराबाद, ब्रह्मपुरी सहित कई इलाके में पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में गुड़िया को इंसाफ दिलाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस पोस्टर में भी गुड़िया की फोटो व गुड़िया का नाम इस्तेमाल कर उसकी पहचान को उजागर किया गया है। पोस्टर देखने से लगता है कि पोस्टर को कांग्रेस नेताओं ने लगाया है। पोस्टर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की तस्वीर के साथ सीलमपुर के पूर्व विधायक चौधरी मतीन अहमद के स्थानीय कांग्रेस नेता रियाजुद्दीन की तस्वीर है। पोस्टर में दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस का हाथ देश की बेटी के साथ। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस का हर सिपाही आखिरी सांस तक लड़ेगा। चौधरी मतीन अहमद ने क्षेत्र में लगे पोस्टर से पल्ला झाड़ लिया है। हालांकि उनका कहना है कि रियाजुद्दीन नाम के शख्स ने पोस्टर लगाई है। रियाजुद्दीन कांग्रेस पार्टी में किसी पद पर नहीं है। चौधरी मतीन अहमद ने माना कि पीड़िता की पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पोस्टर लगा है, एक रियाजुद्दीन नाम है इसमें। वो कांग्रेस में किसी कोई पद पे नहीं है, लेकिन कांग्रेस का से पोस्टर लगाया है यहाँ। अगर उसमें कोई कमी है, कुछ है, तो मुझे लगता है उसको नहीं करना चाहिए था। सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है इसमें, जिस तरीके से मतलब कि आप जो जिसके साथ जो घटना घटी है, जो जिसके साथ इस तरीके का दर्दनाक हादसा हुआ, उसकी फोटो नहीं लगा सकते। इसमें आपकी फोटो भी दिखाई दी गई उसमें। ये फोटो पता नहीं उन्होंने कहाँ से ली है, मुझे तो मालूम नहीं है। और नाम जो मनीषा की बात है, नाम तो वो आम है अखबारों में, उसमें सारी चीज़ों में जगह में चल रहा, वहाँ से कहीं से उन्होंने उठा लिया होगा। ये जो पोस्टर छापने वाला जो भी है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। हम तो कहते हैं नाम भी नहीं आना चाहिए। पहले भी इस तरह के हुए हैं, तो उसमें निर्भया या दूसरे नाम दिए गए हैं जी, वो नहीं होना चाहिए था। जो भी कार्यकर्ता, मैं उससे बात करूँगा, उसको नहीं करना चाहिए था। मुझे तो पता भी नहीं है कब ये छपा है, जो आपने बताया, और मैंने भी देखा बाहर कहीं उस पर, लेकिन मैंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जो ये आप बता रहे हैं। ये पोस्टर देख के बड़ा दुख हुआ। इन्होंने लिखा है कांग्रेस का हाथ हर बेटी के साथ। ये कांग्रेस की नीति रही है कि देश तोड़ो, समाज तोड़ो। ये जो पोस्टर है, जहां हमें इस बच्ची के साथ जो दुखद घटना हुई है हाथरस में, इस बच्ची का नाम हमें छुपाना चाहिए था, फोटो छुपाना चाहिए था, और इन्होंने नाम भी और पोस्टर में, बड़े बड़े पोस्टर में इन्होंने बच्ची का नाम दे दिया। जिस माँ बाप की बेटी है, उसके परिवार पर क्या गुजर रही होगी, ये इन कांग्रेस वालों को मुझे लगता समझ नहीं आता है। जहाँ इस बच्ची का नाम छुपाना चाहिए था, पहले भी बहुत दुखद घटनाएं हुई हैं, वहाँ बच्ची का नाम, बच्ची का फोटो छुपाया गया है। पर कांग्रेस के इतने निर्लज हो गई है, इनके जो नेता हैं वो इस बच्ची को उजागर कर रहे हैं, गली गली में, मोहल्ले, हर मोहल्ले में, हर गली में पोस्टर लगा रहे हैं। तो सर, क्या मानते हैं, कांग्रेस की तरफ से पोस्टर लगाया गया है या मतलब किस तरीके से, मतलब जो आप भाई कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है, कांग्रेस के नेता है, इसमें राहुल गांधी जी हैं, प्रियंका वडेरा जी हैं, और जहां दुख होता है वहां पे मोमबत्ती जलाई जाती है, और इन्होंने देखिए दीवा जला रखा है। दीवा का पता क्या प्रतीक होता है, खुशी का प्रतीक। पूरा देश दुख में है और ये खुशी मना रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती है। ये क्या राजनीति कर रहे हैं, मेरे समझ के बाहर की बात है कि कैसी राजनीति कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं मतीन अहमद जी, और एक और हैं रियाजुद्दीन राजू हैं। कैसी शर्म की बात है कि विधायक होके ऐसे ऐसे पोस्टर लगवाना, मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात इसमें ये बोली गई कांग्रेस का हाथ देश की हर बेटी के साथ, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? सर, मेरे तो लगता नहीं इनका कांग्रेस का हाथ बेटी के साथ है, इनका कांग्रेस का हाथ है वो राज के साथ है। इस पोस्टर को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है।
बीजेपी नेता का कहना है कि कांग्रेस राजनीति में सभी मर्यादा भूल गई है। दिल्ली से टाइम 24 न्यूज के लिए राकेश चावला की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।